इस मूवी में तीन औरतें अपने से कम उम्र के लड़कों के साथ मजे लेती हैं और उन्हें गुफा का नमकीन पानी पिलाती हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि तीन औरतें एक गाड़ी में कहीं जा रही होती हैं और यही तीनों होती हैं हमारी मूवी में करेक्टर सोनिया, लीली और एलिस। इन तीनों की उम्र 40 के करीब होती है और वो लोग एक वैकेशन पर जा रहे होते हैं जहाँ लिली को अपना घर भी बेचना होता है और घर बिकने तक वो लोग वहीं रहने वाले होते हैं। लिली के घर पहुँचने के बाद अगले दिन वो उसका सामान पैक कर रहे होते हैं और फिर वो प्लान करते हैं कि पैकिंग के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी की जाए। फिर वो लोग सीलिंग के लिए चले जाते हैं। वो लोग जेट्स की राइड्स ले रहे होते हैं और दो लड़के उन्हें देख रहे होते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि वो दोनों लड़के इंस्ट्रक्टर होते हैं और थोड़ी देर बाद वो सोनिया और एलिस के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। अगले दिन वो तीनों बीच पर लेटे होते हैं और सामने से एक औरत आती है जो कि लिली की पुरानी दोस्त होती है। लिली उसे अवॉइड करना चाहती है लेकिन वो लिली को पहचान लेती है और उनसे बात करने लगती है। इतने में हम देखते हैं कि एक हॉट सा आदमी बीच पर जॉगिंग कर रहा होता है और उन तीनों की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो आदमी लिली की फ्रेंड को जानता है और उससे बात करने के लिए आ जाता है और अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। रात को हम देखते हैं कि सोनिया और एलिस एक पब में जाती हैं और लिली घर पर ही होती है। सोनिया और एलिस को पब में एंट्री नहीं मिल रही होती और इतने में हम देख कि वो दो इंस्ट्रक्टर लड़के अपने एक दोस्त के साथ वहाँ आते हैं और उन दोनों की एंट्री करवा देते हैं। फिर वो सब अंदर चले जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पॉल एलिस को किस करता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो तीनों बीच पर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं और वो लड़के उन्हें देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो तीनों उस आदमी के साथ लिली के घर पर बैठे होते हैं जो उन्हें कल बीच पर मिला था। वो लोग बात कर रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के वहाँ आते हैं जो उन्हें कल पब में मिले थे। वो लोग एक दूसरे को देखकर सरप्राइज होते हैं और इतने में हमें पता चलता है कि मार्क्स लिली को पहले से ही जानता है जब लिली यहाँ रहा करती थी। वो कहते हैं कि सोनिया और एलिस ने उन्हें कल रात डिनर पर इनवाइट किया था। जब वो लोग पब में एक साथ थे वो लोग बातें करने लगते हैं और वो जो दूसरा आदमी होता है वो अजीब सा बिहेव करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। लिली सोनिया से कहती है कि तुम लोगों ने इन्हें इनवाइट क्यों किया है, वो लोग बहुत छोटे हैं, और वो उन पर गुस्सा हो जाती है। वो लोग डिनर टेबल पर बात कर रहे होते हैं और फिर लिली अंदर चली जाती है और अपनी बेटी से बात करने लगती है। मार्क्स भी अंदर आ जाता है और लिली से बातें करने लगता है। सोनिया और एलिस पॉल और जूलियन के साथ डांस करने लगते हैं और फिर पॉल और एलिस एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जूलियन और सोनिया के बीच भी कुछ मोमेंट्स बन जाता है और वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इतने में हम देखते हैं सोनिया को एक ऑडियो मैसेज आता है और उन्हें पता चल जाता है कि सोनिया का बॉयफ्रेंड किसी और औरत के साथ है। सोनिया रोने लगती है और लिली सबको कहती है कि अब हम ड्राइव पर जा रहे हैं। फिर वो लोग गाड़ी में होते हैं और सोनिया जूलियन की गोद में बैठी होती है और जूलियन से रहा नहीं जाता और वो अपनी पैंट्स को पिचकारी मारकर गंदा कर देता है और फिर वो तीनों लड़के उतर जाते हैं। सोनिया, लिली और एलिस एक नदी के किनारे जाते हैं और कपड़े उतार कर नंगी होकर स्विम करने लगते हैं। वो लोग वापस कार के पास आते हैं और वो देखते हैं कि उनका ट्रंक लॉक हो गया है जिसमें कार कीज होती हैं। वो तीनों एकदम नंगी होती हैं। उन लोगों को शक होता है कि ये उसी आदमी ने किया है जो उन्हें बीच पर मिला। फिर वो तीनों कार की रूफ से अंदर आ जाते हैं और उन्हें वहीं पर सोना पड़ता है। अगली सुबह आदमी जॉगिंग करता हुआ उनकी कार के पास आता है और उनकी हेल्प करता है। उस दिन के बिहेवियर के लिए उन्हें सॉरी भी बोलता है। अगले दिन हम देखते हैं पॉल एलेक्स को अपनी बॉडी फोटोज भेजता है। एलिस भी उसे बिकनी में अपनी फोटोज भेजती है। कुछ टाइम के बाद लिली वहां पर आती है और उन दोनों पर गुस्सा करती है। हमें पैकिंग करनी है और तुम दोनों उन लड़कों के चक्कर में लगी हुई हो, वो हमसे उम्र में काफी छोटे हैं। कुछ टाइम के बाद उसको पॉल का मैसेज आता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर दोनों की प्यास बुझाते हैं। इसके बाद वो अगले दिन बीच पर एंजॉय करते हैं। अगले सीन में हम इन लोगों को मार्क्स के घर पर देखते हैं जहाँ पर सोनिया कहती है कल मैं स्पेन जा रही हूँ, जो कि जूलियन को अच्छा नहीं लगता, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पॉल और एलिस लिली के घर में एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। सोनिया और लिली भी घर आ जाते हैं और जब सोनिया अपने कमरे में जाती है तो जूलियन भी वहाँ आ जाता है। थोड़ी देर बाद सोनिया और जूलियन भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो तीनों बीच पर होते हैं। फिर लिली सोनिया और एलिस से कहती है कि तुम दोनों को ये गलत नहीं लगता कि वो दोनों इतने छोटे हैं और तुम उनके साथ रोमांस कर रहे हो। वो दोनों कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ मजे करने आए हैं, और फिर वो सब बीच पर इंजॉय करने लगती हैं। लिली बाहर बैठी होती है और मार्क्स भी उसके पास आ जाता है। मार्क्स को लिली अच्छी लगती है लेकिन वो उससे कह नहीं पाता। अगले दिन एलिस की बेटी वहाँ आ जाती है और वो तीनों से पिक करने जाते हैं। फिर हम देखते हैं जूलियन अपनी बाइसिकल पर स्टंट कर रहा होता है और सोनिया एलिस से कहती है कि जूलियन बहुत अच्छा है लेकिन मुझे उसे बताना होगा, ये सब ठीक नहीं है और हमारे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। सोनिया जूलियन के पास आती है और वो दोनों वहाँ रोमांस करने लगते हैं। फिर सोनिया उसे बता देती है तो जूलियन कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। फिर वो सब घर पर होते हैं और सोनिया और एलिस लिली से कहते हैं ये नेकलेस कहाँ से आया, तो वो कहती है कि मार्क्स ने उसे गिफ्ट किया है, और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में एलिस
की बेटी पॉल के साथ बहुत खुश होती है और ये देखकर एलिस भी बहुत खुश हो जाती है। फिर पॉल और एलिस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और एलिस कहती है कि जब तुम पेरिस आओगे तो मेरे घर पर आ सकते और हम थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन ये सुनकर पॉल का रिएक्शन कुछ अजीब सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि एलिस थोड़ा सीरियस हो रही है और वो किसी रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहता, जिसे देखकर एलिस को अच्छा नहीं लगता और वो समझ जाती है कि पॉल ये सब नहीं चाहता और वो अकेले में जाकर रोने लगती है। रात को जब वो सुशील के घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और बाकी लोगों को भी इनवाइट करते हैं, वहाँ पॉल किसी दूसरी लड़की के साथ अपनी शर्ट उतारकर डांस करने लगता है जो कि बाकी सबको अजीब सा लगता है। सोनिया भी जूलियन से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन ये सब ठीक नहीं है और मैं ये नहीं करना चाहती। उधर पॉल और एलिस भी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और पॉल कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके, लेकिन मैं रिलेशनशिप के लिए नहीं बना हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और हम देखते हैं कि लिली और मार्क्स एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। अगली सुबह हमें पता चलता है कि लिली घर बेचना नहीं चाहती और कल रात उसने मार्क्स के साथ खुदाई की थी और ये सुनकर लिली की फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।